नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS हिंदी में। देखिए, अब बस 15 दिन बचे हुए हैं और आपके लिए हम उस 15 दिन में एकदम सटीक स्ट्रेटजी बना के लेके आए हैं, जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। और देखिए, इससे आपको एक चीज़ ये भी आइडिया लग जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो, UPPCS हो, किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो उसके लिए प्रॉपर कैसे प्लानिंग करना चाहिए। तो देखिए, हम उसके आपको पूरा डे वाइज एक एक दिन का लेक्चर बता देंगे, मतलब एक एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, पर डे का शेड्यूल बता देंगे। और आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और फिर अपने तरीके से भी इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट और बिहार जीके, ये पार्ट आते हैं आपके बिहार में, ठीक है। तो देखिए, अब हिस्ट्री से 30 से 40 क्वेश्चन, बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से जो भी आते हैं उसको भी हम बाद में देखेंगे। जनरल साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 30 और बिहार जीके से लगभग 20 से 25 सवाल आ जाते हैं। अब देखिए, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके आ जाते हैं 105 से 120 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अधिकतम 120, तो आपको यहाँ मार्जिन 30 ही क्वेश्चन का मिलता है, तो 120 नहीं तो फिर भी 110 तो आ ही जाएंगे, आते भी हैं, इतने आएंगे भी। बचे आपके जो 40 सवाल हैं वो इन तीन सेक्शंस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। लगभग पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, लगभग 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से, ठीक है। बाकी जो भी है इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, आधा ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिमाग में ये रखनी है कि जब हम लास्ट रिवीजन करते हैं अपना, तो उस समय उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो जिनका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है। तो देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी का बेस क्या होगा कि जो 15 दिन बचे हैं उसमें से पहले 10 दिन हम पूरा चीज़ों को, जो भी इम्पॉर्टेंट है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उतना पढ़ेंगे, फिर उन्हीं चीज़ों को रिमेनिंग 5 दिन में फिर से हम दोबारा रिवाइज़ भी कर लेंगे। तो अगले 15 दिन में आपको पूरे टॉपिक्स का 2 से 3 बार रिवीजन होने वाला है। 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसे हैं जिनको आपको 3 बार भी रिवाइज कर लेने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग होंगे जो कि मान लीजिए पहली बार करंट अफेयर पढ़ने जा रहे होंगे, तो अगर वो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें 3 बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइंस में बायो सेक्शन है, बायो सेक्शन मान लीजिए नहीं याद होता है किसी को, तो उसे 3 बार अगर वो पढ़ लेता है तो उसे एग्ज़ाम में वो 80% क्वेश्चन सही कर ले जाएगा। जो मान लीजिए इससे पहले पढ़े हुआ है वो 1 बार सुनेगा, जो थोड़ा बहुत धुंधला है वो 2 बार सुन लेगा, तो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेन मकसद हमारा है एग्ज़ाम क्लियर करना। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो एक मेंटल स्टेट, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हमें हिस्ट्री में क्या करना है। अब देखिए, यहाँ हम ये नंबर की बात कर लिए कि इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और वेटेज ऐसे ऐसे है। तो अब देखिए, हम मेन फोकस हमारा किस पे होगा, बिहार जीके पे होगा, करंट अफेयर पे होगा, जनरल साइंस पे होगा और हिस्ट्री पे होगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब एकदम छोड़ ही देंगे, अगले 10 दिन हम पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री में अब हम देख लेते हैं हमें कितना दिन लग सकता है। चलिए, इससे पहले एक चीज़ आपको ये बता दें कि जब भी आप शेड्यूल बनाएं लास्ट के दिनों का, तो उसको इस तरीके से बनाएं कि जो चीज़ आपको याद नहीं होती है, जो चीज़ टफ़ होता है याद करने में, उनको कोशिश करें कि एग्ज़ाम की डेट से वो पहले हो। इसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं कि हम नीचे से शुरुआत करते हैं और ये बोलते हैं कि हम, अगर मेरा एग्ज़ाम 16 तारीख को है तो 15 को तो गैप मार दो, तो 14 को हमको ऐसी क्या चीज़ पढ़ के जानी चाहिए जो चीज़ मुझे याद बिल्कुल नहीं होती है, तो अगर उसे हम 14 को पढ़ के जाएंगे तो 16 को वो हमें रटा रटाया रहेगा और हम टिक मार के चले आएंगे। तो उस चीज़ को भी दिमाग में हमें रखना है। तो चलिए, एक बार ये देखते हैं कितने हमें लगेंगे इन सब चीजों को पढ़ने में। देखिए, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। तो ये मान के चलिए, आप अगर डेली 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, जो भी 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को पूरा एंशिएंट और मॉडर्न मिला के आपको ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लग सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। देखिए, 3 दिन आराम से लग जाएगा, तो ये हम मान लेते हैं 3 दिन। ज्योग्राफी को भी हम 1 दिन पढ़ना है। इस ज्योग्राफी में देखिए क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, छोड़ दीजिए उसको। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक्सिमम आप देख लीजिए जल संधियाँ, देख लीजिए जो छोटे छोटे सागर वगैरह हैं उन सबको देख लीजिए, इस और ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थल देख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ये 20 से 25 मिनट का काम है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। जो देखना है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे
आपकी वनस्पतियां हैं, भारत की वनस्पतियां हैं, मिट्टी है, पर्वत है, नदी है, पठार है, ये सब सेक्शन से आपके 5-6 क्वेश्चन इसी सब से बन जाते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके उससे आएंगे जीके, बिहार वाले जीके की ज्योग्राफी। तो इस तरह से कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी से मिलेगा। तो सिर्फ एकदम सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कितना एक दिन अगर आप ज्योग्राफी पे दे दिए तो मतलब मोर देन सफिशियंट है आपको 15 में से 10-12 क्वेश्चन सही करने के लिए। सेम वही चीज़ पॉलिटी में है। पॉलिटी में देखिए मेन सेक्शन क्या है, पहला है हमारा डीपीएसपी तक, लक्ष्मीकांत की बुक में शुरू से लेकर डीपीएसपी तक का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको एक बार आप सरसरी तौर से आर्टिकल सहित कौन सी आर्टिकल किससे रिलेटेड है मेन मेन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। उसके बाद बसता है राज्यपाल है, राज्य विधानमंडल है और आपका पंचायती राज है, ठीक है। अब इन सब टॉपिक्स को जैसे आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत से, लेकिन अगर आप उनसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिहार जीके वाली जो इम्तियाज़ अहमद की सीरीज़ है उसमें सिर्फ 2 लेक्चर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर पॉलिटी की है, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन के लिए वहाँ राज्य विधानमंडल, राज्यपाल और पंचायती राज वाला सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, उसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बिहार और लक्ष्मीकांत दोनों सब सेम ही है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख लेंगे तो आपका आधा घंटे के अंदर वो सेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी एक दिन आप लगा दीजिए डीपीएसपी तक की चीजों को पढ़ने में, तो एक दिन के अंदर पॉलिटी बड़े आराम से खत्म हो जाएगी, ठीक है। साइंस में आपको क्या देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें 150 में 150 करना ही नहीं है, सिर्फ हमें कितना करना है, 100 से पार करना है। तो इसमें आपको क्या देखना है, बायो देखना है सिर्फ, और बायो के लिए आपको एक दिन सफिशिएंट है। बायो की हमारी सीरीज है, देखिए अगर आप घटना चक्र पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको एक बार एटलीस्ट अगर आप एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, पॉइंटर सीधे देख लेते हैं, तो आपका काम हो जाता है। और एक चीज़ और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि पॉइंटर में सिर्फ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बोला हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ इंटरकनेक्शन के साथ डिस्कस किया हुआ है पॉइंटर, आप वहाँ एक बार सुन लेंगे बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो एक दिन का काम है मात्र। रही बात करंट अफेयर, करंट अफेयर में आप 3 दिन दीजिए, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको आराम से 3 दिन तक पढ़ना है, हमें 3 दिन लगेगा कंप्लीट करने में अच्छे से, ठीक है। ये हम जस्ट अभी एक आइडिया ले रहे हैं कितना दिन हमें लग सकता है। सिमिलर केस है बिहार जीके के साथ, बिहार जीके के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज पड़े हुए हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे का है, मतलब उतना है नहीं वैसे, वो 5-6 घंटे का है, तो एक दिन का हम मान लेते हैं आप बिहार जीके पे दे दिए, ठीक है। इस तरह से आप देखिए तो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 1, 10, ये आपके 10 दिन हो गए, और हमें क्या करना है, 10 दिन ही पढ़ना है, उसके बाद इन्हीं को हम 5 दिन में रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा 10 दिन का शेड्यूल हो गया, देखिए, ठीक है, 10 दिन का हमारा शेड्यूल ये फाइनल हो गया है, जिसमें हमारा हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस भी हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके हो गया, और अभी तो हम सिर्फ 105 क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन को देखे हैं, हमारा ज्योग्राफी पॉलिटी भी हो गया, तो हमारे लगभग 120 क्वेश्चन की तैयारी मेरी सॉलिड होगी। और 120 क्वेश्चन की आप तैयारी करके जाएंगे तो 100% आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देंगे और आप क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना डेली रूटीन, देख लेते हैं हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे वही है, अब देखिए हमें नीचे से चलना है कि 14 को हमें कोई ऐसी चीज़ पढ़नी है जो नहीं याद हो रही है। तो देखिए जो लोग बिहार के बाहर से लोग होंगे वो लोगों को बिहार जीके थोड़ा टफ लग रहा होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ रही होगी, तो उनके लिए बेटर क्या है कि लास्ट में बिहार जीके ही पढ़ के वो चले जाएँ, तो उनको काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी। उसमें भी क्या ज़्यादा करना है, एंशियंट करना है, मॉडर्न करना है, ज्योग्राफी करना है और बिहार का सेंसस। और ये सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और इम्तियाज़ अहमद आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, ये बुक है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है इस बुक में, तो इन्हीं बुक का सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो आप उन क्वेश्चन उस सीरीज़ को बस खाली सुन लीजिएगा तो वो बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा मत सोचिए ये लास्ट में एक ही बार आप कर रहे हैं, इससे ऊपर भी इनका पूरा शेड्यूल है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। चलिए देखते हैं 30 तारीख को, मतलब कल आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आराम से, आपको देखिए 3 दिन देना था पूरे हिस्ट्री पे, एक दिन आप आराम से मॉडर्न हिस्ट्री दीजिए। देखिए शुरुआत अभी मॉडर्न से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो नॉर्मल है वो आपको ज़्यादा देर तक याद भी रह सकती है, तो आप अभी शुरुआत में पढ़ेंगे तो काफ़ी देर तक याद रहेगी, और बीच में एक बार रिवाइज कर लेंगे तो एग्ज़ाम में पूरा प्रोड्यूस करके चले आएंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, साथ में आप ये एक काम कीजिए, डेली एक वीडियो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक वीडियो चैनल से करंट अफेयर का वीडियो एक एक सुनते रहिए। पहला वीडियो 1 घंटे का, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप पहले वीडियो को 2 दिन में मिला के ख़त्म कर दीजिए,
और करंट अफेयर का राज होलकर सर का नोट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो सफिशियंट है और कहीं आपको जाने होने की ज़रूरत नहीं है। राज होलकर सफिशियंट नोट्स है, वही डिस्कस किया हुआ है, तो उसी को आप सुन लीजिए, ठीक है। और थोड़ी बहुत अगर जैसे कभी कभी वीडियो क्वालिटी में गड़बड़ हो जाता है तो वो सब आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पढ़ाई से मतलब है, प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन का क्या लेना देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, करंट अफेयर का एक वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। 30 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और करंट अफेयर का एक वीडियो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए आज उस दिन ख़त्म कर दीजिए 1 तारीख को, और करंट अफेयर की दूसरी वीडियो, फिर एंशियंट हिस्ट्री एक दिन लगेगा, 6 से 7 घंटे में एंशियंट हिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है, घटनाचक्र से, कितना 6 से 7 दिन लगेगा, एक दिन में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, साथ में एक करंट का वीडियो, बाकी आप बिंदास मजे कीजिए। फिर देखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वही आपको जो सेक्शन बताए ज्योग्राफी का वो कर लीजिए और करंट अफेयर। अब देखिए ज्योग्राफी के लिए भी सीरीज़ आ जाएगी, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हम आपको 4-5 बताए हैं उन पे अभी वीडियोस आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप उन वीडियोस को देख लीजिए, करंट अफेयर का वो काम कर लीजिए, एकदम सफिशिएंट है। फिर देखिए पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत वही पढ़ना था, करंट अफेयर का आप वीडियो देख लीजिए। लक्ष्मीकांत में भी कहाँ तक, सिर्फ DPSP तक, और बाकी जो राज्य से संबंधित है वो इम्तियाज़ अहमद की सीरीज़ में 2 वीडियो है, वो बहुत ही अच्छा है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आपका बिहार से रिलेटेड पॉलिटी GK भी कवर हो जाएगा और जो क्वेश्चन नॉर्मल GS से आता है वो भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 तारीख को बायो का बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, अगर आप घटनाचक्र पढ़े हुए हैं तो जल्दी से कोशिश कीजिए अब सिर्फ पॉइंटर सुनने का। पॉइंटर एक बार आप सुन लेंगे आपके लिए तो सफिशिएंट हो जाएगा। जो लोग नहीं सुने हैं अभी तक, कभी देखे ही नहीं बायोलॉजी, कभी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी मस्ट है। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप अभी तक नहीं कवर किए हैं तो भी आपको कवर करके जाना ही चाहिए, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक बार आप बायोलॉजी का लेक्चर पूरी तरह से आराम से एक दिन बैठ के सुन लीजिए और बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है और चीज़ें बहुत आसानी से आपको क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। फिर 6 तारीख को देखिए क्या करना है, बिहार का GK जो इम्तियाज़ अहमद वाली सीरीज़ है वो आप पढ़िए, बिहार GK 2 दिन दीजिए आराम से, और एक करंट अफेयर का एक दिन कर लीजिए, एक दिन सेंसस का वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये सब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं और जो एकदम ज़रूरी है काम की, वही हमारे चैनल पे है, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। हालांकि हमारा चैनल बहुत नया है तो लोगों को थोड़ा विश्वास कम हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप कंटेंट देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और देखिए 8 तारीख को क्या कीजिए, करंट अफेयर एक दिन और दीजिए, नवंबर का पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका देखिए करंट अफेयर वाला जो काम है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो गया, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा और करंट अफेयर यहाँ बड़े आसानी से आपके सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा कंप्लीट किया हुआ है हमारे चैनल पर। एक दिन का आप देखिए 9 तारीख का गैप है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो आपको आराम से यहाँ पे एक दिन का गैप भी मिलता है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई चीज़ छूटा हो वो कवर कर लीजिए और नया कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट होता है, अब हम क्या करेंगे 10 तारीख से 14 तारीख तक रिवाइज करेंगे, 15 को जिसको जाना हो मान लीजिए दिल्ली का है तो वो अपना जाएगा तो उसके लिए उसका अपना समय एक दिन का होना चाहिए। अब देखिए 10 तारीख को आप क्या पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री फिर से घटनाचक्र रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए दोबारा हमारा रिवीजन चल रहा है जो आप एकदम शुरू में पढ़े थे, तो एंशियंट पढ़ेंगे। अब काम क्या कीजिएगा, इसी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के साथ इम्तियाज़ अहमद की सीरीज सुन लीजिएगा दोबारा, तो इससे क्या होगा आपका बिहार GK और GS दोनों कंप्लीट एक साथ होते रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यही लास्ट रिवीजन में इसी तरीके से करना चाहिए, तो GK इम्तियाज़ अहमद वाली GK वाली सीरीज सुन लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए उसके साथ इम्तियाज़ अहमद की मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज सुन लीजिए। 12 तारीख को आराम से आप एक दिन पूरा दीजिए, करंट अफेयर फिर से जो आप अभी रिसेंटली ही पढ़े दोबारा सुनेंगे, एकदम रट जाएगा आपको। बायोलॉजी एक दिन आराम से दीजिए, उसके बाद आपके पास बहुत समय भी बचेगा, आप उस समय में करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, तो बायोलॉजी आपकी एक दिन फिर से कंप्लीट होगी पूरी अच्छे से। अब देखिए जस्ट एक दिन हम पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी याद नहीं होता, तो बायोलॉजी इस तरह से आपको वो टर्म्स पढ़े होंगे 13 तारीख को, तो आप 16 तारीख को एकदम बढ़िया से चीज़ें याद रहेंगी, निकाल देंगे। फिर उसी तरह 14 तारीख को आप बिहार GK पढ़िए, ट्रेन में रहते हैं बिहार GK पढ़ते हुए चले जाइए आराम से, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा प्लान और आप इस तरह से अगर फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, 100% मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और देखिए चैनल अगर आपको पे कंटेंट पसंद आ रहा है, थोड़ी बहुत क्वालिटी में आपको मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, अभी नया चैनल है तो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको आप अभी इग्नोर कर दीजिए, आपको कंटेंट इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, उसको आप पसंद कीजिए। और अगर आपको वीडियो इस टाइप से कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। और देखिए एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं कि आप एंटरटेनमेंट है कि कभी भी बाद में देख सकते हैं, चलो वो तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन स्टडी रिलेटेड है, इसमें आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा और ताकि कोई वीडियो इंपॉर्टेंट आए तो उसको आप उसी समय देख सके, इसलिए बेल आइकन ज़रूरी है, ठीक है।
ठीक है फिर, आज हम आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और आप लोग बढ़िया से जम के तैयारी करते रहिए, और आपको कोई भी ऐसी ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आप तक पहुँचेंगे और उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।